नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, अभी मेरा नाम आत्रेयी है और मैं एटी बी के नाम से हूँ इस यूट्यूब के चैनल में, और मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है डेली ब्लॉगिंग करना। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बच्चों को, बस लेटे पड़े हैं। मेरा 3 साल का बेटा है जो कि पीजे मार्क्स देख रहे हैं अभी। बहुत खुश है वो। और अभी ये मेरे पापा, मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ अभी इस समय लॉकडाउन पे, और मैं अभी खाना पकाने वाली हूँ। मैं फटाफट एक चिकन फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। आप, मैंने चिकन ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है, पुराना चावल रखा हुआ है, और अभी मैं एग को स्क्रैम्बल कर रही हूँ, अंडा स्क्रैम्बल कर रही हूँ। 3 अंडे डाले हैं मैंने, आप देख सकते हैं अभी मैं कैसे फ्राई कर रही हूँ अंडे को। थोड़ा नमक, थोड़ा दूध और अंडा, यही है रेसिपी अंडा फ्राई का। बड़ा सिंपल सा रेसिपी है, क्विक एग चिकन फ्राइड राइस है। ये क्वारंटीन में एकदम फटाफट बनने वाला रेसिपी है। बड़ों को, बच्चों को, सबको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रा न्यू हूँ ना मैं ब्लॉगिंग में, तो आप थोड़ा बहुत पॉज हो जाता है मेरा, मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आता। तो अब मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज काटे हुए हैं मैंने लंबे लंबे, और बेल पेपर या कैप्सिकम आप कहते हैं जिनको, वो मैं फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। ये एक चाइनीज फ्राइड राइस बनने वाला है, तो आप अच्छे से तल लें फ्राइड ये अपना प्याज और जो बेल पेपर है वो। थोड़े से सॉफ्ट हो जाने चाहिए वो, आप ऐसे तलें उनको। बाकी मैंने यहाँ वेजिटेबल्स भी डाले हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मटर, फिर गाजर भी डाला हुआ है। ये सारे मैंने बॉईल कर लिए थे पहले, तो ये सारा मैं अपने बच्चों को भी खिलाने वाली हूँ। तो एकदम बाकी सब कुछ मैंने यहाँ मिक्स कर दिया है, देख सकते हैं। अब अंडा मिक्स कर दिया है मैंने, चिकन पहले ही उबाल के रख दिया था और बोन वाले चिकन थे, तो मैंने वो सारा जो बोन हटा के बाकी सब डाला है। और फिर मैंने पुराना राइस डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें अजीनोमोटो सोया सॉस और थोड़ा सा मैंने इसमें टमेटो सॉस भी डाला था। तो आप अच्छे से मिक्स करें, घी डालें थोड़ा सा, बच्चों को घी का स्वाद पसंद होता है। अच्छे से मिक्स करें राइस को, नमक और चीनी स्वाद अनुसार डालें। बस हो गया। और अभी मैं स्क्वॉश पीने वाली हूँ। इतनी गर्मी है यहाँ पे भिलाई में, 41 डिग्रीज है वेदर यहाँ पे, 40 डिग्री। तो मैंने कोशिश तो करी अपनी बच्ची को खिलाने के लिए, बट वो दूध पी के खुश है। बच्चा मेरा खा चुका है चिकन फ्राइड राइस, बड़े चाव से खाया उसने चिकन फ्राइड राइस, बट बच्ची नहीं खाया। ये देखिए मेरा बच्चा एकदम डॉन की तरह घूमता हुआ है। यही है बस, घर पे बैठ के और क्या करना है, खाना पीना, सोना और टीवी देखना। और कभी कभी तो मैं इनको थोड़ा पढ़ा भी लेती हूँ, बट 3 साल का बच्चा है अभी, ये इतना आप क्या उम्मीद एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वो गई मेरी मम्मी, खाने का प्रयास फेल हुआ मेरी बेटी के साथ, उन्होंने तो एक बूंद भी नहीं खाया वो राइस। तो बस मेरा बेटा बड़ा खुश है, इधर उधर कूद रहा है। लड़के वैसे बहुत एक्टिव होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है, शाम का समय हो चुका है। ये मेरी बहन है, वो भी हमारे साथ है लॉकडाउन में, वो भी अपने ससुराल जा नहीं पाई है अभी तक। आज उसके बेटे का 10वें महीने का जन्मदिन है, तो आप देख सकते हैं वो हम सब सजावटों में लगे हुए हैं। मेरा बेटा चाहता है कि वो अभी टूट पड़े इस पर। आप देख सकते हैं कितना खुश है, कूद रहा है, बहुत ही खुश है वो, बहुत। और वो रहा छोटा छोटा बेटा मेरा, मेरा नेफ्यू जिसका आज 10वें महीने का जन्मदिन है। तो ये सारी तैयारियां कर रही हैं उनकी माँ, मेरी सिस्टर, आप देख सकते हैं। तो ये फोटो सेशंस हो रहे हैं अभी, तो अभी सब फोटो सेशन के लिए बैठ रहे हैं सब आराम आराम से। मेरे पापा, मेरी बेटी, मम्मी, फिर छोटा बेटा, सब आने वाले हैं। मेरे बेटे को बहुत जल्दी है केक, अभी आप देख सकते कैसे बैठे हैं। ये समय दोस्तों आप लोगों को कभी मिलने वाला है,
मैं अपने पति को तो बड़ा मिस करती हूँ, बट अपने मम्मी पापा बहन उनका बच्चा मेरे बच्चे, ये पहली बार है लाइफ में जब हम साथ में हुए हैं और इतने समय से हम साथ में हैं। मैं 4 महीने से साथ में हूँ मम्मी पापा को, स्कूल के बाद से मैं हम चारों कभी साथ में नहीं रहे हैं। मेरा जॉब था, बहन का जॉब था, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, मैं मूव हो गई कनाडा, तो ये पहला मौका है जब मम्मी पापा मैं और बहन सारे तीनों बच्चे साथ में। बहुत मजा आया। बट हाँ, मुझे कनाडा जाना है, बट कोई फ्लाइट नहीं मिल रही है मुझे यहाँ पे। सारी जो फ्लाइट है वो रिपैट्रिएशन फ्लाइट है। एक एक टिकट का प्राइस है $3,000। और ये देखिए, छोटा बाबू क्रॉल करने लग गया, मेरी बहन का बेटा क्रॉल कर रहा है। ये एक माइलस्टोन है, आज अचीवमेंट कर दिया भाई। वाह, बहुत खुश है सब। वो क्रॉल कर करके कहीं जा रहा है। आनंदी बहुत खुश। तो शाम का समय है, और बच्चे शाम को आधा घंटा खूब दौड़ते बट यही एक ही समय है जब बच्चे बाहर निकल सकते हैं। लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, इनको लेके जाने का सोच भी नहीं सकती अभी। सब कुछ काफी अनसेफ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये दौड़ना ही उनका काम है। और सबसे बढ़िया बात पता है बच्चों की क्या है, वो कहीं से भी अच्छे से, उनको कोई फिक्र नहीं है कि ये लॉकडाउन है कि क्या है, ये हम पता नहीं हमें क्या किस टाइप का टेंशन है। बट बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, इतने इतने सीमलेसली वो एडजस्ट करते हैं ना हर जगह पे, कि कोई बात ही नहीं है। मैं 1 महीना कलकत्ता में रह के आई और अपने सारे रिश्तेदारों से मिल के उनके घर पे रह के आई हूँ, तब भी इनके मुंह से चू नहीं निकला कि भाई हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ एडजस्ट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों का। बच्चे इतने प्यारे और इतने मासूम होते हैं, और इन एडजस्टमेंट करने के लिए कोई ये नहीं होता कि भाई हम बड़ों को क्या बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम सोचते हैं क्या क्या होगा। कुछ नहीं, अभी मेरे बच्चों के पास ज़्यादा खिलौने भी मैं लेके नहीं आ पाई हूँ भिलाई में। मैं सोच के देती हूँ मैं भिलाई आऊँगी, 2 महीने रहूँगी अपने मम्मी पापा के साथ। फिर कलकत्ता से मेरी टिकट थी मई की, बट कुछ कैंसिल हो गया है। ये कोई फ्लाइट नहीं जा रहा, एयरपोर्ट सारे बंद है, डोमेस्टिक फ्लाइट का क्या हो रहा है वो देखिए। मून देख के खुश है मेरे बच्चे, बैठ के मून देख रहे हैं, बड़े खुश। जिंदगी में कोई It has got 6 stars. पे आधा घंटा आके दौड़ भाग करके थक के बैठे हैं, सो रही मेरी छोटी बेटी। विजयन फिर पति अच्छा है कि मेरे दो हैं तो एक दूसरे की कंपनी हो जाती है दोनों की। देखिए कैसे भाग दौड़ रहे हैं अभी, खुश बच्चे, खुश मिजाज एकदम, कोई टेंशन नहीं, एकदम मज़े में अपना कर रहे हैं बच्चे जो करना है। टीयू वेयर इज द मून, देखिए मून देख रही है मेरी बेटी ऊपर और दौड़ रही है मून मून करके। मून देख के खुश है भाई, छोटी बेटी yes, अभी देख moon, साल very good. बड़ा बेटा अभी 3-3.5 साल का होने वाला है, तो दोनों में wow, my daddy is cooking. देख सकते कि मेरे Such पापा a hands-on daddy. शाम का समय है, What are you cooking, daddy? और बैगन का भरता बना रहे हैं, बढ़िया वाला बैगन भरता। Wow, my daddy is cooking. मेरे पापा Such a hands-on daddy. वो काम What are you cooking, daddy? सारा काम कर सकते हैं घर का। ऐसा नहीं है कि आदमी है तो घर का काम नहीं कर सकते, ये मैं देख रही हूँ, बहुत इंस्पिरेशन है। वो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पति भी का ऐसे ही है, घर का सारा काम नहीं आता है। मर्दों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि घर का काम करे, बट ये एकदम हैंड वर्क है। वो पूरा बेटा, छोटा बेटा छोटू अभी फिर से क्रॉल कर रहा है। ओ ये तो वही वाला वीडियो है जो मैंने डाल दिया है, कोई नहीं आप देख लीजिए फिर से, बाकी एक अच्छा सा वीडियो में डाल के फिर से लगाने वाली हूँ। धन्यवाद देखने के लिए, प्लीज़ लाइक।